समाज सेवी और पूरे राज्य मंत्री अकील अहमद ने जमनपुर से सिलाकुई में भूमाफियाओं के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं उनके द्वारा तहसीलदार को एक ज्ञापन भी दिया गया। वहीं उन्होंने सेंट्रल होप टाउन में जमीनों को भूमाफियाओं के नाम ट्रांसफर किए जाने पर प्रदर्शन किया है। वहीं अकील अहमद ने भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बताते चले कि अकील अहमद का भूमाफियाओं के खिलाफ काफी लंबे समय से धरने प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। अरे भूमाफिया होश में आओ, उसका दावी होश में आओ, उसका दावी होश में आओ, भूमाफियों में बहुत भारी मात्रा में भूमाफियों से तबादला किया गया है। और पिछले जो है 2001 से और 2016 तक जो भी यहाँ पे प्रधान रहे उन सबकी मिली भगत से ट्रांसफर किए गए 10-10 बीघे 20-20 बीघे ऐसे करके जो है खसरा नंबर 323 बंजर झाड़ी को ट्रांसफर कर दिया गया। ग्राम समाज की ज़मीनों से जो है ट्रांसफर किया गया, लेकिन ग्राम समाज को जो ज़मीन मिलनी चाहिए थी बदले में वो ग्राम समाज को मिली नहीं। अब तक एक बीघा भी ज़मीन ग्राम समाज के पास नहीं है। कागजों में ट्रांसफर है लेकिन ज़मीनों का कब्जा उनके पास बरकरार जुगत हुआ है, खाली फाइलों में है। उसी को लेके हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया। मैंने मुख्यमंत्री से भी शिकायत की है और डीएम को से भी शिकायत की है। आज ज्ञापन भेजा राज्यपाल जी को, मुख्यमंत्री को, तहसीलदार साहब यहाँ आए थे उनको मैंने ज्ञापन दिया। हमने कहा इसमें जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल एरिया है ऊपर उसमें जो है एक नंबर है 121 जो कि नोटिफाइड नहीं है खसरा नंबर, उस पर कब्जा करके नंबर पे और कागज़ जो है 122 के लगा के कुछ कंपनी यहाँ पे बेनिफिट ले रही है, फायदा ले रही है, एक्साइज ड्यूटी का, सेल टैक्स का, इनकम टैक्स का, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। इसमें जो भी दोषी हों इन सब मामलों में और भूमाफिया गरीबों की ज़मीन हड़प रहे इनके खिलाफ कार्रवाई हो। हम ये मांग करते हैं कि किसी की गरीब की ज़मीन अगर कोई हड़पने का काम करेगा तो हम जो है चैन से नहीं बैठेंगे, हम उसको जो है जूते बाहर के वहाँ से निकालने का काम करेंगे। हमने जो है ये बात जो है तहसीलदार को भी कही कि आप जांच कराएं। इसमें जो घोटाले में शामिल है जिन्होंने ज़मीनों के घोटाले किए, 70 बीघा ज़मीन थोड़ी नहीं होती। अभी मेरे पास एक फर्द है सिर्फ जिसमें 70 बीघा है, अगर मैं और निकालूंगा तो पता नहीं कितनी निकलेगी। जो है मैं कहता हूँ कि 400-500 बीघा ज़मीन